हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स GT 20 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT 20 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं और कैसे बंद कर पाएंगे अपने इन्फिनिक्स फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में और कैसे बंद कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सिंपली देखते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। क्लिक करते ही फ़ोन की जो भी सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी, इस पर जाकर आप अपने फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। इसके लिए सिंपली आपको जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशंस पे। इस पर जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन को ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके फ़ोन में आपका वाइब्रेशन यहाँ से ऑन है, जैसे ऑन हो रखा है, तो ऑफ़ करना चाहते हैं तो सिंपली ऑफ पे क्लिक कर देना है। जिसमें से ओके कर देने से आपका टच वाइब्रेशन से ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और साथ में ही आप कॉलिंग वाइब्रेशंस को भी ऑफ़ कर सकते हैं इनेबल करके, और चाहें तो टच साउंड को यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपका टच साउंड है ऑन हो रखा है तो उसको भी आप बंद कर पाएंगे एंड आप ऑफ़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। इस तरह से भी टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स GT 20 प्रो फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।